Hello children, today we will learn the chapter Day Dreams from class 5th Maharashtra board. Day Dreams. So children, do you know the meaning of day dream? The meaning of day dream is a series of pleasant thought that distract one's attention from the present. डे ड्रीम का मतलब होता है बच्चों, जो भी हम अच्छी बातें या अच्छे सपने अपने बारे में दिन में सोचते हैं और बाकी सारे काम छोड़ के हम वही बातें सोचने लग जाते हैं. वंस देयर लिव्ड अ कपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एडल्ट टॉक. सो बच्चों, चैप्टर में एक कपल है. कपल मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ. वो अपना पूरा दिन आइडल टॉक में बिताते हैं. आइडल टॉक मीन्स गपशप, बातें, इधर उधर की बातें. वन डे द हस्बैंड सेड, एक दिन हस्बैंड ने बोला, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप काउस. मैं हमेशा से काउस रखना चाहता था, मतलब वो गाय रखना चाहता था अपने पास. इफ बाई चांस, अगर मुझे कभी मौका मिला, आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर, मुझे कहीं से भी थोड़े ज़्यादा पैसे मिले, आई एम गोइंग टू बाई अ फ्यू काउस. मैं कुछ गाय खरीदूंगा. बाय मीन्स खरीदना. बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. यू हैव टू फीड द काउस, वॉक देम, बाथ देम, मिल्क देम. काउस नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर. वन काउ वुड बी इनफ. देर इज अ नो नीड टू बाय मोर काउस, सेड द वाइफ. तो अपने हस्बैंड की बातें सुनकर वाइफ बोलती है कि अगर तुम बहुत सारी काउ रखोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा. यू हैव टू फीड द काउस, तुम्हें गाय को खाना खिलाना पड़ेगा. चारा, गाय लोगों का जो खाना होता है बच्चों, वो चारा कहलाता है. वॉक देम, उन्हें चरवाने ले जाना पड़ेगा. बाथ देम, मिल्क देम, उन्हें नहलाना पड़ेगा, उनसे दूध निकलवाना पड़ेगा. काउस नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, और जो गाय हैं उनको बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है. वन काउ वुड बी इनफ, एक काउ बहुत होगी, काफ़ी होगी. देर इज़ अ नो नीड टू बाय मोर काउस, तुम्हें बहुत ज़्यादा गाय खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसकी वाइफ बोलती है. बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ़ वी बाय मोर, सेड द हस्बैंड. पर अपनी वाइफ की ये सारी बातें सुन के उसका हस्बैंड कहता है कि थिंक, सोचो, हमें कितना ज़्यादा मिल्क मिलेगा, कितना ज़्यादा दूध मिलेगा अगर हम बहुत सारी गाय खरीदते हैं तो. दैट्स ट्रू, द वाइफ एग्रीड. अब उसने हस्बैंड की बात सुन के, बहुत ज़्यादा दूध वाली बात सुन के, वाइफ बोलती है कि हाँ, ये बात तो सही है, और वो अपने हस्बैंड की बात को मान भी जाती है. There will be so much milk that we can ever have plenty of dahi and butter and ghee. Plenty means बच्चों काफ़ी, sufficient. तो वो बोलती है कि अगर हमारे पास बहुत सारा दूध होगा तो हमारे पास बहुत सारा दही भी होगा, मक्खन भी होगा और घी भी होगा. वो wouldn't it be lovely? ये क्या अच्छी बात नहीं है? वो खुश हो जाती है अंदर से कि वाओ, मेरे पास बहुत सारा दूध होगा, बहुत सारा मक्खन होगा, बहुत सारा घी होगा. हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दीज अर्थन पॉट्स कीप असाइड. अर्थन पॉट्स मीन्स मिट्टी के बर्तन. तो उसके पास मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो वो उन मिट्टी के बर्तनों को देखती है और बोलती है कि मैं तो कितनी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ. लकी मीन्स भाग्यशाली, कि मेरे पास ये अर्थन पॉट हैं. अब वो क्यों ऐसा सोचती है? आई विल यूज़ वन ऑफ द पॉट्स फॉर मिल्क, वन फॉर दही, वन फॉर बटर. वो ऐसा इसलिए अपने आप को लकी मानती है क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे पास ये सारे जो मिट्टी के बर्तन हैं, इनमें से एक में मैं मिल्क रखूँगी, एक में मैं दही रख लूँगी और एक में मैं बटर, मक्खन रख लूँगी. द घी आई विल पुट इन अनदर जार. और वो घी के लिए बोलती है कि घी को मैं किसी अलग बर्तन में रखूँगी. एंड आई विल यूज़ द रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर. अब वो बोलती है कि घी को तो मैं अलग बर्तन में रखूँगी और जो बाकी बचे हुए मिट्टी के बर्तन हैं उनको मैं इस्तेमाल करूँगी अपनी बहन को दूध भेजने के लिए. तो जो उसकी वाइफ होती है वो बहुत खुश है कि भाई मेरे पास बहुत सारा दूध होगा और मैं दही, बटर, घी के अलावा थोड़ा सा दूध अपनी बहन को भी भेजूँगी. सेंड मिल्क टू योर सिस्टर. Who said you could send milk to your sister? अब
वाइफ की ये वाली बात सुनकर कि वो अपनी बहन को दूध भेजेगी, हस्बैंड बोलता है कि तुम अपनी बहन को दूध भेजोगी, किसने तुम्हें बोला कि तुम अपनी बहन को दूध भेज सकती हो? There will be plenty of milk if we have so many cows. Why shouldn't I send it to my sister? अब उसकी बातें सुनके उसकी वाइफ बोलती है कि जब हमारे पास इतना सफिशिएंट मिल्क होगा और बहुत सारी गाय होंगी तो मैं अपनी बहन को दूध क्यों नहीं भेज सकती हूँ? बच्चों, अभी उन दोनों हस्बैंड वाइफ के पास न गाय है न दूध है, कुछ भी नहीं है, बट वो दोनों क्या कर रहे हैं? वो दोनों डे ड्रीम कर रहे हैं। बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई। तो जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की बात का जवाब दे रहा है कि वो अपनी बहन को दूध नहीं भेज सकती। और क्यों नहीं भेज सकती? क्योंकि हस्बैंड ने सोचा है कि जो ज़्यादा मिल्क होगा उसे वो क्या करेगा, मार्केट में बेचेगा। इसलिए आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क, हस्बैंड कहता है मैं डिसाइड करूँगा कि उन सारे दूध से क्या करना है। नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स याद करना। तो वो कहता है कि एक बूंद, जितना भी दूध है उसकी एक बूंद भी तुम्हारी बहन को नहीं जाएगी, ये चीज़ याद रखना। आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। अब हस्बैंड की बात सुन के वाइफ थोड़े गुस्से में बोलती है कि मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकोगे मेरी प्यारी बहन को दूध भेजने से। आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउस, सो नेचुरली आई विल डिसाइड वॉट हैपन्स टू द मिल्क। वो कहती है कि मैं सारा काम करूँगी, मैं गाय की देखभाल करूँगी, उनको नहलाऊँगी खिलाऊँगी, तो मैं ही डिसाइड करूँगी कि उस मिल्क का क्या होगा। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, मुझे रोकने की कोशिश करके तो दिखाओ। द वाइफ एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मीन्स होता है बच्चों चिल्ला कर बोलना। तो अपने हस्बैंड की सारी बातों को सुनने के बाद वाइफ उस पर चिल्ला कर बोलती है। Is that so? Shouted the husband. अब हस्बैंड भी उस पर चिल्ला के बोलता है कि ऐसा है क्या? Watch this then. वो कहता है फिर तो तुम देखो। He began to lift and smash the earthen pots one by one. Smash means बच्चों यहाँ पे तोड़ना है। तो हस्बैंड क्या करता है कि एक एक अर्थन पॉट उठाता है, मिट्टी का बर्तन उठाता है और उसको तोड़ना शुरू कर देता है। His wife began to scream. अब उसकी वाइफ क्या होती है, वो भी चिल्लाना शुरू कर देती है। वो क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि भाई उसका हस्बैंड उसके मिट्टी के बर्तनों को तोड़ रहा है। गोपाल भान, who was passing by, heard all the commotion and rushed inside. So बच्चों, there is another person whose name is गोपाल। वो वहाँ से पास हो रहा था और उसने सारी जो भी हल्ला गुल्ला था वो सुना और वो दौड़कर अंदर गया। When he heard what had happened, तो जब गोपाल भांड है उसने सारी बातें सुनी कि क्या क्या हुआ। He picked up a stout stick that stood in a corner, और उसने एक stout stick मतलब मोटी लकड़ी उठाई जो कॉर्नर में खड़ी थी। And began to swish it through the air and pound it on the floor. Swish मतलब हिलाना। तो उसने क्या किया, वो लकड़ी ली और हवा में हिलाने लगा और ज़मीन पे मारने लगा। द हस्बैंड एंड वाइफ वर बोथ एस्टॉन्डेड टू सी हिज एंटिक्स। एस्टॉन्डेड मीन्स सरप्राइज और एंटिक्स मतलब फुलिश बिहेवियर। तो जो हस्बैंड वाइफ थे वो दोनों बहुत सरप्राइज हो गए गोपाल भांड के फुलिश बिहेवियर को देखकर। What are you doing? They inquired. Inquired means पूछताछ। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। Move aside, said गोपाल भांड। फिर गोपाल भांड ने कहा साइड में हट जाओ। I have to drive away your greedy cow. Greedy means लालची। Drive means हटाना या चलाना। मुझे तुम्हारी ये जो greedy लालची गाय हैं इन्हें हटाना है। You have let them wander and now they have ruined My field of beans and cucumber. तो गोपाल भांड बोलता है कि तुमने wander means इधर उधर भटकना, ruined मतलब खराब करना। तो वो बोलता है कि तुमने अपनी गाय को इधर उधर छोड़ दिया है और इन गाय ने मेरा beans और cucumber का जो खेत है वो खराब कर दिया।
ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड क्यूकुम्बर। अब वो कहता है ओ मेरे प्यारे खेत बीन्स और खीरे के। बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड क्यूकुम्बर सेड द हस्बैंड। अब वो जो हस्बैंड होता है वो बोलता है गोपाल भांड को पर तुम्हारे पास तो बीन्स और क्यूकुम्बर के खेत ही नहीं हैं। एज सुन एज ही सेड दैट जैसे ही उसने ये बात बोली गोपाल भांड स्टॉप विडलिंग द स्टिक एंड लुक एट हिम विथ रेज्ड आईब्रो। जैसे ही हस्बैंड ने ये बात बोली कि तुम्हारे पास तो खेत ही नहीं है बीन्स और कुकुम्बर के गोपाल भांड ने लकड़ी को इधर से उधर हिलाना बंद कर दिया और उसने अपना एक आईब्रो ऊपर उठाया और हस्बैंड की तरफ देखा। बच्चों अगर आप फोटो में देखोगे तो आईब्रोज दिख रहे हैं गोपाल भांड के। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम। अब जैसे ही वो रुका तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों समझ गए। अंडरस्टूड मीन्स समझना कि वो उनको क्या बोलना चाहता था। कैन यू टेल मी व्हाट ही वॉन्टेड टू से। तो बच्चों क्या तुम्हें पता है कि गोपाल भांड क्या कहना चाहता था। चिल्ड्रन इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर काइंडली राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो काइंडली सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।